जम्मू में मंगलवार तड़के नगरोटा में सेना और आतंकियों के बीच शुरू हुआ एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है और सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। कल सुबह 5:30 बजे ये आतंकी पुलिस की वर्दी पहनकर सेना के कैंप में ग्रेनेड बरसाते हुए दाखिल हुए थे। इस दौरान आतंकियों का सामना करते हुए सेना के 2 मेजर समेत 7 जवान फायरिंग में शहीद हो गए थे। सेना ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को एक जगह पर घेर लिया और 3 आतंकियों को मार गिराया। आज सुबह एक और आतंकी की तलाश को लेकर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सर्च ऑपरेशन के बाद किसी भी आतंकी के सेना के कैंप में ना होने की पुष्टि की गई। वहीं सेना ने इनकाउंटर के बाद आतंकियों से भारी तादाद में गोला बारूद बरामद किया है। साथ ही एक उर्दू में लिखा पेपर भी मिला है जिसमें AGS लिखा हुआ है, जिसका मतलब है अफजल गुरु स्क्वाड। उधर नगरोटा कैंप में शहीद हुए सेना के जवानों को जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट में प्रदेश की CM और डिप्टी CM ने श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना के चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग खुद नगरोटा बेस कैंप हालात का जायजा लेने पहुंचे और उन्होंने सेना से इस तरह के हमलों से सख्ती से निपटने के लिए कहा। बहरहाल जो भी हो, ये हमला एक बार फिर साफ दर्शाता है कि आतंकी सेना के कैंप में हमला करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में सेना को अपनी सुरक्षा के लिहाज से और भी ज्यादा कड़े कदम उठाने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, नगरोटा। हंगामे की भेंट चढ़ी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही। नोटबंदी के मुद्दे के अलावा विपक्ष ने आतंकी हमले के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। इससे पहले दोनों सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए शहीदों का आदर नहीं करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कांग्रेस समेत विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। पार्लियामेंट का नियम है, पार्लियामेंट की फॉर्म है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है हम उनका आदर करते हैं। आज शायद पहली बार हमारे जो सैनिक मरे हैं उनका आदर नहीं किया, इसलिए हमारी पार्टी और पूरा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया। शीतकालीन सत्र के 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही। नोटबंदी के मुद्दे के अलावा अब विपक्ष के हाथों आतंकी हमले का मुद्दा भी है, जिसे लेकर सरकार को घेरने की तैयारी हो चुकी है। वीरेंद्र सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। BSP सुप्रीमो मायावती का सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख जारी। कहा, बिना बहस के लोकसभा से पास कराए गए इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल का उनकी पार्टी करेगी विरोध। मायावती केंद्र सरकार को किसी भी मोर्चे पर घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। नोटबंदी से लेकर आतंकी हमले पर मायावती ने सरकार की नीतियों को गलत ठहराया। साथ ही ये भी कहा कि उनकी पार्टी नए इनकम टैक्स अमेंडमेंट कानून 2016 के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले पर बोलते हुए मायावती ने कहा कि मौजूदा सरकार सीमा की सुरक्षा करने में असफल रही है, जिससे बार बार सीमा पर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है जिससे असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के विरोध में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पटना में धरना दिया। खास बात ये रही कि इस धरना कार्यक्रम में बिहार की महागठबंधन सरकार बटी हुई दिखी। पटना के गर्दनी भाग में धरना स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंची और वैसे ही उनके साथ मंच पर RJD के कई नेता भी पहुंचे। RJD के नेताओं ने नोटबंदी के विरोध में जमकर नारेबाजी की और भाषण भी दिया। भले ही ये धरना एक दिन के था और धरना खत्म हो गया, मगर बिहार में एक नई सियासत शुरू हो गई, क्योंकि इस मंच से बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि जो लोग नोटबंदी के विरोध में नहीं हैं वो गद्दार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नोटबंदी के पक्ष में हैं। ऐसे में RJD के नेताओं का मंच पर रहना और गद्दार सुनना और उसके बाद अब बिहार में एक नई सियासत का जवाब देना आने वाले वक्त में मुश्किल हो। बंगाल के मुख्यमंत्री के धरना का कार्यक्रम तो खत्म हो गया, मगर बिहार में एक नई सियासत शुरू हो गई है कि क्या नोटबंदी का विरोध करने वाले गद्दार हैं और नोटबंदी का समर्थन करने वाले देशभक्त। आने वाले वक्त में सियासत इस पर और तेज होगी। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। काले धन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार कड़े और बड़े कदम उठा रही है। अब जनधन अकाउंट से सिर्फ 10,000 रुपए तक निकाले जा सकेंगे जिनका KYC अकाउंट होगा, तो वहीं जितनी जमा उतनी निकासी का नियम भी लागू किया जा चुका है। सरकार को शक है कि जनधन अकाउंट में जो रकम जमा की गई उसमें कुछ गड़बड़ है। इसको देखते हुए जांच तो की जा रही है। वहीं अब जनधन अकाउंट की लिमिट भी तय कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक
अब जनधन अकाउंट से एक महीने में सिर्फ 10,000 रुपए निकाले जा सकेंगे और उसके लिए केवाईसी जरूरी है। बिना केवाईसी को सिर्फ एक महीने में 5,000 रुपए मिल सकेंगे। सरकार का मानना है कि जनधन अकाउंट का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में किया जा रहा है, यही वजह है कि कुछ ही दिनों में ये अकाउंट पहुंचकर 64,250 करोड़ हो गया। सरकार का यह भी मानना है कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा था, इसी वजह से इसमें लिमिट तय कर दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। नोटबंदी से पैदा हुई आपकी मुसीबतों को कम करने के लिए वायुसेना बनी सबसे बड़ी मददगार। लाखों टन नए नोटों को मालवाहक विमानों ने कई शहरों तक पहुंचाया। नोटबंदी के बाद से आरबीआई के सामने करोड़ों नए नोट छापने की बड़ी चुनौती थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती नए नोटों को देश के 4 प्रिंटिंग प्रेस से उठाकर देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचाना भी है। लेकिन इसके लिए वायुसेना के बड़े बड़े कार्गो विमानों को काम पर लगाया गया है, जिसमें AN-32, C-130 और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमान भी शामिल हैं। नोट को ढोने के काम में पहले से ही कई हेलीकॉप्टर भी जुटे हैं। 19 नवंबर से इन बड़े विमानों की सेवाएं ली जा रही हैं और आंकड़ों के मुताबिक तब से भारतीय वायुसेना 160 टन से ज्यादा नए नोट अलग अलग शहरों में पहुंचा चुकी है। नोटबंदी के बाद बाजार में नकदी की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने वायुसेना की मदद ली। खासतौर पर पूर्वोत्तर के दूरदराज इलाकों में ये उपाय काफी कारगर साबित हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट शांत पटना के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि देश भर के सभी सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि इस दरमियान राष्ट्रध्वज स्क्रीन पर दिखाया जाए और वहां मौजूद तमाम लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हों। 14 साल से लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने व्यावसायिक फायदे के लिए राष्ट्रगान के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इससे टीवी कार्यक्रमों और फिल्मों में राष्ट्रगान का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। राष्ट्रगान को नाटकीय रूप से दिखाने पर भी अब पूरी तरीके से पाबंदी होगी। अदालत ने कहा कि राष्ट्रगान को संविधान के मुताबिक 52 सेकंड में ही गाया जाए। राष्ट्रगान या उसके किसी भी अंश को किसी भी असम्मानित जगह पर न छापा जाए। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो सभी राज्यों को अदालत के आदेश के पालन के लिए निर्देश जारी करें। अदालत में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को 10 दिन के अंदर पालन करा लिया जाएगा। अदालत में लगभग सभी पक्ष इस मामले की सुनवाई टालने के लिए राजी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोग ये समझे कि उनका अपना देश है और ऐसी सूरत में राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने में कोई हर्ज नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे। हरमिंदर सिंह मिंटू की इंटरोगेशन रिपोर्ट बताती है कि पंजाब की नाभा जेल से भागने से एक दिन पहले हरमिंदर सिंह मिंटू ने पाकिस्तान के लाहौर के डेरा चाल गांव में मौजूद KLF के हैंडलर हरमीत से स्काइप के जरिए बातचीत की थी। पूछताछ में मिंटू ने बताया है कि ISI पंजाब में KLF को फिर से जिंदा कर मिंटू के जरिए आतंकवाद फैलाना चाहती थी। हरमिंदर सिंह मिंटू के बेस कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड जैसे कई देशों में है। हरमिंदर सिंह मिंटू की गिरफ्तारी के साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पंजाब में एक बार फिर से आतंकवाद फैलाने की साजिश नाकामयाब हो गई है। हरमिंदर सिंह मिंटू के कई साथी भारत में मौजूद हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिशों में दिल्ली पुलिस जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। कश्मीर के तनाव भरे माहौल के बीच एक अच्छी खबर आई है। 6 साल के कश्मीरी बच्चे मोहम्मद हाशिम ने एशियन कराटे चैंपियनशिप जीत ली है। कर्फ्यू, फायरिंग, हंगामा, गोलीबारी के बीच कश्मीर से एक सुकून देने वाली खबर आई है। कश्मीर के 6 साल के मोहम्मद हाशिम ने एशियन कराटे चैंपियनशिप जीत ली है। हाशिम कई साल से स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं और पिछले 1 साल से इस चैंपियनशिप के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। हाशिम के कोच फासिल अली ने भी हाशिम के लिए बहुत मेहनत की। हाशिम की ट्रेनिंग के लिए फासिल ने पूरी जान लगा दी और वो कहते हैं कि उन्हें हाशिम के लिए वहाँ के लोकल लोगों और प्रशासन की भी पूरी मदद मिली, वरना वो कश्मीर से दिल्ली तक का सफर तय नहीं कर पाते। एशियन कराटे चैंपियनशिप जीतने के बाद अब मोहम्मद हाशिम यूरोप जाएंगे और वहाँ वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे और उन्हें पूरा यकीन है कि वो अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। जहां एक तरफ उत्तर भारत में कोहरे ने दस्तक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ 7 समंदर पार अमेरिका में मौसम की पहली बर्फबारी में सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया है। तस्वीरें अमेरिका के डकोटा शहर की है,
जहां बर्फ की बरसात ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। पेड़ों से लेकर घरों तक और सड़कों से लेकर सरकारी इमारतों तक चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही थी। बिस्मार्क सिटी में भारी बर्फबारी से स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आए। प्रशासन के साथ ही लोग भी बर्फ हटाने में जुटे रहे ताकि जिंदगी की रफ्तार को फिर से शुरू किया जा सके। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी देखे गए। अमेरिका के कई शहरों में तेज बर्फीली हवाएं चलने की खबर है। मौसम विभाग ने भी इस मौसम को देखते हुए लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ शीरीन, न्यूज़ नेशन।